ये बहुत ऐतिहासिक सा मोमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि पुराना वाला गांधी सेतु पे खड़े हैं और बहुत कम लोगों को ये नसीब मिलने वाला है कि फिर से आप पुराने वाले गांधी सेतु पे इस सड़क पे जहाँ फिलहाल अभी खड़े हैं, इस पे कभी बाइक दौड़ाते थे, जब जाम लग जाता था तो बाइक इस पे लोग करके और निकल जाते। महात्मा गांधी सेतु पुल का अपडेट देते हुए यहाँ के गार्ड साहब से मिलिए और ये कुछ ऐसी जानकारी दिए कि इसको आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। बताइए गार्ड साहब, क्या प्रॉब्लम है आप नाइट? हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का अपडेट है महात्मा गांधी सेतु पुल का और पहुंच चुके हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए। लेटेस्ट अपडेट ये है कि काम काफ़ी तेज़ चल रहा है और ये मेरे चैनल पे ये पहला वीडियो होगा इस अपडेट का, सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा नहीं पहुँच पा रहे हैं यहाँ तक। मगर ये अपडेट बहुत झक्कास होने वाला है क्योंकि पहली बार पहुँचे और काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, फिलहाल अभी खड़े हैं गायघाट की तरफ से और यहाँ से कवर करेंगे पिलर नंबर एक तक, जो हाजीपुर के साइड होगा, जाने का रास्ता होगा पीपा पुल। और पीपा पुल के बारे में अगर एक जानकारी आपको दे दें तो ये पहले महात्मा गांधी सेतु पुल के सटे हुए था, मगर अभी फ़िलहाल आपको ये पीपा पुल जाने के लिए भदर घाट से जाना होगा और वो रास्ता आपको दिखाएंगे, उस साइड से चलेंगे। और मेरे पीछे है जस्ट पीपा पुल और ब्रिज का पूरा अपडेट देंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर किन्हीं से बात करने के लिए। और ये पूरा सुपर स्ट्रक्चर के थ्रू, पूरा सुपर स्ट्रक्चर पे ब्रिज बन रहा है और काम काफ़ी तेज़ है। तो कहीं अगर एक बात करें कि इसे कब तक कंप्लीट किया जाएगा, तो 2021 के लास्ट या 2022 तक इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। आई होप बहुत जल्दी काम हो, काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। आप इसे देख सकते हैं, बहुत बड़े बड़े किरान यहाँ पे है लगा हुआ और काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो चलिए, इस ब्लॉग में बने रहिए, पीपा पुल के रास्ते चलेंगे उस साइड और बहुत मज़ा आने वाला है इस अपडेट में। अच्छे अच्छे शॉट्स लेते हैं, उस शॉट्स का मज़ा लें। महात्मा गांधी सेतु पुल का अपडेट देते हुए यहाँ के गार्ड साहब से मिलिए और ये कुछ ऐसी जानकारी दिए कि इसको आपके सामने लाना बहुत जरूरी था। बताइए गार्ड साहब, क्या प्रॉब्लम है आप नाइट? प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर गाय घाट है, जितना झोपड़पट्टी वाले सब हैं, फौजी जो भी हैं, उनको बच्चा लोग यहाँ पर एस माइक पीते हैं, गाजा पीते हैं, सुलेशन पीते हैं, प्लस यहाँ पर लोहा चोरी करते हैं। जब देखते हैं गार्ड इधर है तो पीछे से लेके भागते हैं और पकड़ते हैं तो वहाँ पर मारपीट करने के उतारू हो जाते हैं। बताइए कैसे होगा विकास इस बिहार का? समझ में नहीं आता है कि लोग अपने ही संपत्ति को इस तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसके खासकर लोहा चोरी किया जा रहा है, गार्ड को मारने का धमकी दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी ऑफिसर देख रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को आप ध्यान दें और थोड़ा सा पेट्रोलिंग करें। ज़रूरी है, ये संपत्ति है अपना और इसे बचा के रखना अपना सबसे पहला कर्तव्य है। फिर हम निकलते हैं यहाँ से पीपा पुल के रास्ते, पिलर नंबर 1, 2, 3 को अपडेट करेंगे और ब्लॉग में बने रहिएगा। आई होप अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये अपडेट बहुत खास है। Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn it down. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. चलिए, तो पीपा पुल पे राइड अब शुरू हो चुका है और बहुत मज़ा आता है पीपा पुल पे राइड करके। और आपको एक बात बता दें कि पीपा पुल पे भी जो ये राइड का आनंद है वो बहुत कम दिनों के लिए ही बच गया है, क्योंकि जब गांधी सेतु का दोनों लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप भी अगर इस राइड का अनुभव लेना चाहते हैं तो बहुत जल्द पहुँचें और बहुत अच्छा लगता है। सीन जो है देखिए आप, ये गांधी सेतु उस साइड है और दोनों साइड पानी की लहरें, गंगा की पानी की लहरें, और बहुत मज़ा आता है। और चलिए, तो एंजॉय करें राइड को और ब्लॉग में बने रहें आप।
और ठंडी ठंडी हवा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है गंगा के पानी का। दोस्तों ये है पिलर नंबर एक और आप सामने जो रास्ता देख रहे हैं वो हाजीपुर से जब पटना आते थे तो वहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको क्लोज कर दिया गया और टीना से कवर कर दिया गया है और काम यहाँ भी दिख रहा है। और यहाँ से फिर अब अपडेट चलेंगे आगे की तरफ पिलर 2, 3, 4 होते हुए पिलर नंबर 25-26 तक, तो आप बने रहें इस ब्लॉग में। गाइस पीपा पुल पार करके पहुँच चुके हैं पिलर नंबर एक के पास और यहाँ पे अगर अपडेट की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ अभी काम हुआ है, जो मुझे दिख रहा है वो पिलर ढलाया है, आधा पिलर तोड़ के और ढला गया। आगे काम तेज़ी से हो रहा है क्योंकि कुछ महीनों में बारिश हो जाएगी और आपको तो पता ही है कि गंगा के पानी का लहर कितना होता है। मेरे NIT वाले वीडियो में आप देख सकते हैं पानी का लेवल इतना होता है कि NIT में ऊपर तक पानी आ जाता है, इसीलिए उस काम को पहले खींचा जा रहा है और यहाँ पे रोक दिया गया है। काम यहाँ थोड़ा धीरे चल रहा है, मगर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि काम धीरे चल रहा है। वहाँ ले चलते हैं जहाँ मेन पॉइंट पर काम हुआ है, क्योंकि यहाँ तो फिलहाल अभी एक ही साइड वाला जो पुराना वाला स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है वही दिख रहा है और गाड़ी का रफ्तार काफ़ी तेज चल रहा है। चलिए तो फिर आपको विशेष जानकारी सर से बताते हैं। सर क्या है इसमें और बताइए थोड़ा विशेष आप। इसमें होल्डिंग फ्रेम सबसे पहले शिफ्ट किया जाता है ना, होल्डिंग फ्रेम शिफ्ट करने के बाद इसमें लोड दिया जाता है, लोड देने के बाद होल्डिंग लिफ्टर फ्रेम आता है, लिफ्टर फ्रेम देने के बाद फिर उसमें लोड दिया जाता है। उसका बेट अलग अलग ढंग से रहता है, हर सेगमेंट का बेट अलग अलग रहता है, हर बेट के अनुसार से उसका लोड दिया जाता है। लोड देने के बाद सेफ्टी बेल्ट पहन करके वर्कर लोग सेगमेंट के ऊपर चढ़ते हैं, फिर उसको कटिंग करते हैं, होल करते हैं, मैक्लोवार टाइट करते हैं अधिक से अधिक। अगर मैक्लोवार अगर टाइट ना हो पाए तो मैक्लोवार घिस जाता है, घिसने के कारण कभी भी प्रॉब्लम होता है। एक पिलर कटिंग करने में लगभग कितना समय लगता है? शुरुआती आवर से एक घंटा से चालू होता है। अच्छा। शुरुआती में जब हम लोग कटिंग करते हैं ना तो एक घंटा सवा घंटा लगता है ना। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाता है वैसे वैसे यानी काटने का प्रक्रिया है बढ़ते जाता है, लास्ट प्रक्रिया वो 5 घंटे से 6 घंटे में आ जाती है। ये प्रक्रिया है ना जो अभी जो पोजीशन में है इसमें अभी 4 से 4.5 घंटा कटिंग में लगता है। उतना कटिंग होने में 4.5 घंटा लगता है इसमें कटिंग में, है ना। उसके बाद फिर होल्डिंग फ्रेम हम लोग शिफ्ट करते हैं, एक कटिंग के बाद बार बार हम लोग होल्डिंग फ्रेम शिफ्ट करना पड़ता है, लिफ्टर शिफ्ट करना पड़ता है, बार बार नीचे करना पड़ता है। क्या आशा करें कि कब तक ये पब्लिक के लिए मिल जाएगा? ये पब्लिक के लिए ना कम से कम तो 1.5 साल लगेगा ही, 1.5 साल लगने वाला हो जाएगा। अगर ये कोरोना अगर साथ दिया तो, कोरोना अगर सही बात टपक गई तो फिर मान के चल 2 साल या 3 साल भी लग सकता है, फिर कोई किसी के हाथ में ही नहीं है। नहीं है तो ये मान के 1.5 साल में कम्प्लीट, अगर कंटिन्यू काम होता है तो ये बहुत जल्दी सब लोग इस्तेमाल कर। बिल्कुल बिल्कुल, ये डे नाइट दोनों काम होता है, डे नाइट दोनों काम, 12 घंटे का ड्यूटी है, यानी डे नाइट का चेंज होता ही होगा आप लोगों का। चेंज होता है, अभी 8 बजे से हम लोग ड्यूटी में आए हैं। अच्छा, अच्छा, नाइट वाले लोग 8 बजे यहाँ से चले गए। चलिए तो सर किसी तरह कोशिश करते हैं क्या हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि थोड़ा नज़दीक से कि क्या होता है। दोस्तों आप जो ये छोटी सी मशीन देख रहे हैं इसे छोटा मत समझिए, यही जो मशीन है वो बड़े बड़े पिलर को काट के रख देती है और इसी से पिलर का कटिंग होता है। ये चेन बना हुआ है और पिलर में लगा हुआ है और ये जब मूव करती है तो वो घिसता है पिलर और पिलर घिसने के कारण पिलर कटते जाता है और कट के पार्ट बाई पार्ट नीचे गिर जाता है। तो फिलहाल ये 13 नंबर पिलर है और कटिंग का काम अभी इसी पिलर पर चल रहा है। तो तोड़ के हटा के इसको उठी किया जाए ना, फिर फैब्रिकेशन चले जाएगा, गैस कटिंग से कटिंग करेगा सरिया और ये सब अलग अलग किया करके। फिलहाल सेफ्टी के लिए ये वाला कैप पहन लिए हैं और चल रहे हैं ऊपर की तरफ और देखते हैं अपडेट को थोड़ा नज़दीक से, क्योंकि शायद पहली बार चल रहे हैं ऊपर और थोड़ा सेफ्टी ध्यान में रख के और मज़ा आने वाला है। गांधी सेतु को ऊपर से देखते हैं करीब से।
वही ना बोल लीजिएगा डबल है ले लीजिएगा। काफी ऊपर है, चढ़ते चढ़ते हाफने लगे हैं। पता नहीं यहाँ के जो वर्कर हैं कैसे इसको पूरे दिन, और काफी हाइट पे आ गए हैं, अब मुझे ही डर लगने लगा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से देखने में ये काफी नॉर्मल सा लग रहा था, पर आई होप आप, काफी बड़ा है। और फिलहाल ऊपर पॉइंट पे आ गए हैं और करीब से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या काम का प्रक्रिया चलता है, लोग कितना मेहनत करते हैं किसी चीज़ को बनाने में। और फिलहाल आप देख सकते हैं पॉइंट के सबसे ऊपर हैं और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं काम। और चलते हैं इनसे बात करते हैं ऊपर और विशेष यही बता पाएंगे इस अपडेट में। You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. ये पिलर नंबर 13 पर, और इसका कटिंग का काम इसी का हो रहा है सर? इसी का हो रहा है 13 नंबर का। और ये कितना दिन लग जाएगा ये पूरा इसको कटिंग करके? इसको कटिंग करने में कम से कम 22 से 24 दिन लगता है, है ना? 22 से 24 दिन एक पिलर कटिंग करने में? पिलर कटिंग में लगता है। अच्छा, ये मशीन क्या है, इसका क्या काम है? वेल्डिंग मशीन है, यहाँ पे लोग पिचिंग किया हुआ रहता है इसका। अच्छा, हटाने के लिए भी खिलाया जाता है इसको, और जहाँ प्रॉब्लम होती है हम लोग सीमेंट कटिंग करने में के लिए आता है। ये बहुत ऐतिहासिक सा मोमेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि पुराना वाला गांधी सेतु पे खड़े हैं और बहुत कम लोगों को ये नसीब मिलने वाला है कि फिर से आप पुराने वाले गांधी सेतु पे इस सड़क पे जहाँ फिलहाल अभी खड़े हैं इस पे कभी बाइक दौड़ाते थे। बाइक दौड़ा जब जाम लग जाता था तो बाइक इस पे लोग करके और निकल जाते थे, मगर ये नए वाले में शायद नहीं मिलने वाला। मिलने वाला है, वन तरफ एक्साइटेड हो जाएगा ना, इसलिए अभी वो तैयार नहीं किया गया है। अच्छा, क्या ऐसा सुनने में आ रहा था लोड ज्यादा पड़ जाएगा, अचानक सिंगल पुल है उधर अगर रेडी कर दिया जाए तो वन साइड केवल लोड पड़ जाएगा, इसी कारण से तैयार नहीं किया गया। नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये वाला फिर मजा नहीं मिलने वाला है। नहीं, बिल्कुल वही मजा मिलने वाला है, वाला है ना, उससे बेहतर ही होगा। तो शायद ये अपडेट आपके लिए नया होगा, क्योंकि मुझे जब तक जितना अपडेट मिला है सुनने में आ रहा था गांधी सेतु में इस बार इसको खत्म कर दिया जाएगा, पर बिल्कुल वैसा नहीं है। सर बता रहे हैं जब ये ब्रिज पूरी तरह से कंप्लीट होगा तो इसको शायद इसका काम लास्ट में होगा, डिवाइडर बनाने का। हां, क्योंकि अभी होने से ना एक तरफ वन साइड लोडिंग हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसी कारण से उसको रोक दिया गया है। इस तरफ जब रेडी हो जाएगा तो अभी काम चालू होगा, इधर से भी होगा, दोनों तरफ से भी होगी। कुछ अपने वर्कर से थोड़ा मिलाइए, उनसे बात करते हैं कितना मुश्किल होता है सर काम करने में, आप लोगों को कितना मुश्किल होता है। मैं एक बार ही ऊपर चढ़ा, हाफने लगा। आप कितना टाइम ऊपर चढ़ते हैं? दिन भर में 10 बार जाना आना, 10 बार 20 बार भी हो जाएगा। ये एजेंट काका है, ये एजेंट काका है, इनको भी जाना पड़ता है। और देखिए ना, जो भी काम करते हैं हम लोग सारा नहीं जाता। अच्छा, इसके नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से सीरिया से नीचे जाना पड़ता है। ये रास्ता से एक आदमी अंदर, एक दो तीन आदमी जाते हैं, तीन आदमी जाता है, तीन आदमी जाता है, अकेला किसी को भेजा नहीं जाता है। नीचे से भी ये बोल्ट जो टाइट किया हुआ है सर, है ना, नीचे से भी लकड़ा लगाया जाता है, इसमें लकड़ा के बाद प्लेट लगाया जाता है, फिर बोल्ट लगाया जाता है, उसके बाद ये टाइट किया जाता है। टाइट करने के बाद इसका लोडिंग पावर लोडिंग लिया जाता है, लोडिंग लेने के बाद होल्डिंग फ्रेम शिफ्ट किया जाता है, होल्डिंग फ्रेम शिफ्ट करने के बाद उसका भी लोड लिया जाता है। ये लोडिंग मशीन है, काफी मुश्किल होता है लोडिंग को काम करने के लिए ना। ये 100 टन वाली लोडिंग मशीन है, 100 टन 50 लीटर के लिए। चलिए दोस्तों, तो बढ़ चुके हैं पिलर नंबर 13 से आगे, और 13 के बाद पिलर का कटिंग बंद है 25 तक, और फिर 26 नंबर पिलर से स्टार्ट है कटिंग। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पिलर नंबर 26 की तरफ। तो ये मेरे पीछे है पिलर नंबर 26, और पिलर नंबर 14 से लेके 24 तक अभी कटिंग का काम नहीं चल रहा है, 13 तक कटिंग चल रहा है। और एक तो छोटा सा अपडेट इसके साथ और देना चाहेंगे आपको कि ये गांधी सेतु
के जस्ट समानांतर एक और ब्रिज बनने वाला है। तो जस्ट आप पीछे देख सकते हैं उसका स्ट्रक्चर पिलर का तैयार हो रहा है और आगे इस तरह 5-6 पिलर बन गया है। इससे आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हवा काफ़ी तेज है और धूल जो यहाँ पे रेत है बहुत उड़ रहा है, तो ये सही नहीं लग रहा है, इसीलिए इससे आगे नहीं जाएंगे। इसका अपडेट और थोड़ा सा काम बढ़ने दीजिए, एक अच्छा सा वीडियो लाते हैं इसके बारे में, गांधी सेतु के बन रहे समानांतर ब्रिज के बारे में, और चलते हैं थोड़ा और आगे और देखते हैं कैसा है अपडेट महात्मा गांधी सेतु पुल का सेकेंड लाइन वाला। तो महात्मा गांधी सेतु पुल पे आगे साइड पिलर नंबर 27, 28, 29 का क्या हाल है। दोस्तों फिलहाल मेरे पीछे देख रहे हैं पिलर नंबर 30 है और अब इस अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। महात्मा गांधी सेतु का अपडेट में इतना ही था और फिर कुछ नया काम होता है तो फिर एक नया अपडेट लेके आएंगे आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और आई होप आप इंजॉय किए होंगे और कुछ सजेशन होगा तो कमेंट कीजिएगा कि कुछ और किया जा सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड फैमिली के साथ इसे शेयर कीजिएगा महात्मा गांधी सेतु ब्रिज का अपडेट, और इन्जॉय कीजिए और मिलते हैं पटना के किसी और अपडेट के साथ। और इस ब्लॉग में इतना ही।